Hello students, all of you are welcome here Math 24x7 channel. Today's topic is compound interest class 8th, chapter 6th, worksheet 2. So first question is rakhiye, compute the compound interest on rupees 5000 for 1.5 years at 16% per annum compounded half yearly. यहाँ पे जो principal दे रखे हैं वो principal is rupees 5000 time इक्वल टू 1.5 ईयर एंड रेट इक्वल टू 16% पर एनम. ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में ये देखो जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में एक बार, यानी कि यहाँ पर 6 मंथ में एक बार जो है इंटरेस्ट लगेगा. जैसे कि आपने पिछले वर्कशीट में देखा वहाँ पर साल में एक बार इंटरेस्ट लगता था, यहाँ पर 6 महीने में यानी कि एक साल में 2 बार, 6 महीने और 6 महीने अलग से 2 बार हो गए. अब यहाँ पर 1.5 ईयर हैं तो 1.5 ईयर में आपको पता होगा कितने मंथ बन जाएंगे, 18 मंथ्स. और 18 मंथ को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3.5 ईयर्स बन गए. 3.5 ईयर्स यानी कि 1.5 ईयर को हम 3.5 ईयर्स लिख सकते हैं. 1.5 ईयर्स में 3 बार जो है इस अमाउंट, इस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा. ओके, जो ये रेट है, ये रेट 16% पर एनम है, ये साल की रेट है. एक साल में जो रेट लगती है वो ये है. और ये रेट टाइम किस में हो गया हमारे पास, हाफ ईयर में. तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, 16/2, 8% पर हाफ ईयर. क्लियर हुआ, रेट को हम हाफ कर देंगे और टाइम को एक तरह से डबल कर दिया क्योंकि ये ईयर है, हाफ ईयर में ये. अब यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, इट विल बी, पहले फार्मूला लिखते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. 100 आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि रेट हमारी परसेंट में है. प्रिंसिपल इज रुपीज़ 5000, रेट इज़ 8% पर हाफ ईयर, और ये फर्स्ट हाफ ईयर का है तो यहाँ पे ये 1 लग जाएगा, 20 से 20. और ये रुपीज़ 400 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट हाफ ईयर का. देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल टू पी प्लस एस आई. सारी बातें वही हैं जो तुमने पिछली वर्कशीट में सीखी हैं, बस यहाँ पर रेट हाफ ईयरली होगी और टाइम भी जो है हाफ ईयर होगा, ये डिफरेंस है, बाकी सब वही है. तो प्रिंसिपल रुपीज़ 5000 और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ 400 और टोटल हमारे पास आ गया ये 5400. तो दिस अमाउंट इज द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर्स. देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर सेकंड हाफ ईयर इक्वल टू रुपीज़ 5400. देयरफॉर रेट वही रहेगी, रेट 8% पर हाफ ईयर, टाइम 1.5 ईयर. तो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर, सेकंड हाफ एल है, हाफ ईयर्स एफ इक्वल टू, फार्मूला वही, फार्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे हम, 54 × 8 × 1 अपॉन में 100, 20 से 20, और इसको मल्टीपल करेंगे तो रुपीज़ 84 × 32, 3 8 5 = 40 और 3 432. ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया सेकेंड हाफ ईयर का. तब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर इक्वल टू पी प्लस एस आई.
प्रिंसिपल हमारे पास 5400 था, 5400 रुपीज़ प्लस रुपीज़ 432, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो रुपीज़ 5832 आ जाएगा। और आपको अब आगे पता है कि ये जो अमाउंट बनी है, दिस अमाउंट इज़ द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, थर्ड हाफ ईयर, देयर फॉर प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर इक्वल टू रुपीज़ 5832। रेट वही रहेगी, रेट 8% पर हाफ ईयर, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर इक्वल टू 5832 इंटू 8 इंटू 1/100। अब देखो यहाँ पर ये इससे एग्जैक्ट नहीं कैंसिल हो रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर लो। 8 की इसके 2 के साथ मल्टीपल करें 16, 1 कैरी, 24 और 125, 2 कैरी, 8 8 जा 64 और 2 6, 6 कैरी, 8 5 जा 40 और 6 ये आ जाएगा, और अपॉन में 100 है तो ये यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, क्लियर हुआ। देयर फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर के बाद जो हमारे पास अमाउंट बनेगी वो बन जाएगी पी प्लस एस आई। प्रिंसिपल है हमारे पास रुपीज़ 5832, प्लस में इंटरेस्ट आ गया 466.56, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इट विल बी रुपीज़ 56 पैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 6 8, 3 और 6 9, 8 4 12 और 5 1 6 ये आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन में हमने निकालना था इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थ्री हाफ ईयर कह लो, और यह भी कह सकते हैं 1.5 ईयर्स, इज इक्वल टू जो अमाउंट हमारे पास एंड में आई है उस अमाउंट में से जो हमारे पास इनिशियल प्रिंसिपल था उसको माइनस कर देंगे, यानी रुपीज़ 6298.56 माइनस में रुपीज़ 5000, और ये बन गई हमारे पास रुपीज़ 1298.56। लास्ट में एक बार दोबारा फिर लिख देंगे कि देयरफॉर एस आई, देयरफॉर सी आई, सी आई एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर इज इक्वल टू रुपीज़ 1298.56 आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 15625 एट 16% पर एनम फॉर 9 मंथ्स व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली आपको पता ही है, हर 3 महीने को हम एक क्वार्टरली बोलते हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे पास हो जाएंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ 15625, रेट 16% पर एनम, टाइम 9 मंथ। जो हमारे पास इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है क्वार्टरली, और क्वार्टरली होती है 3 मंथ की, क्वार्टर यानी कि जो 1 ईयर है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ में इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक आ जाएगा 3 मंथ, और 3 मंथ को ही हम जो है 1 क्वार्टरली बोलते हैं। क्लियर हुआ।
थ्री मंथ को क्या बोलते हैं, वन क्वार्टर। तो नाइन मंथ में हमारे पास, नाइन मंथ में कितने क्वार्टरली हो जाएंगे, अब बताओ आप। इसको हम थ्री मंथ प्लस में थ्री मंथ प्लस में थ्री मंथ, यानी कि थ्री क्वार्टरली हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइम को हम लिखेंगे नाइन मंथ और थ्री क्वार्टरली, क्लियर। और जो ये रेट है, रेट को भी फोर से डिवाइड कर देंगे। जब हमने ईयर को फोर से डिवाइड किया है तो रेट को भी फोर से डिवाइड कर देंगे, और फोर से डिवाइड करके ये आ जाएगा 16/4 का मतलब 4% पर क्वार्टरली। क्यू का मतलब यहाँ पर क्वार्टरली, क्लियर हुआ। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टरली फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एक बात नोट करने की, ये सारा रफ वर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आपको ये फेयर वर्क नहीं करना। दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ये आपको ओरली याद हो जाएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट ये लिखें बस, क्लियर। तो पी इज 15,625 इंटू रेट, रेट कितनी लगेगी, अब 4% लगेगी, और टाइम फर्स्ट क्वार्टरली है तो वन आ जाएगी यहाँ पे, और अपॉन में 100। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, अब इसको कट करेंगे तो इसको कट करके ऊपर लिखो और इसको कट करके 25 को नीचे लिखो, कभी भी साइड में नहीं लिखना चाहिए। और 25 की आपको टेबल आती है तो 25 से इसको डायरेक्ट कट कर दो। 25 सिक्स जा 150, 150 में से 6 62, 25 टू जा 50 12, 125 5 जा ₹625। आप जो हैं बड़े से बड़े नंबर से कैंसिल करना भी सीखिए, अब छोटे छोटे नंबर से नहीं कि पहले इसको 5 से फिर इसको 2 से फिर 5 से, आप जो हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसा करके, ऐसा नहीं करना, ओके। तो ये इंटरेस्ट होगा, देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टरली, ये कितना बन जाएगा, पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल इज रुपीज़ 15,625, इतने रुपीज़ हैं, प्लस में इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 625, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो रुपीज़ 25 और 25 50 6 12 यानी कि 16,250, ये हमारे पास अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर। देयरफॉर जो ये अमाउंट बनी है, दिस अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड क्वार्टरली, क्लियर। रेट 4% पर क्वार्टरली, देयरफॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर फार्मूला वही, और 16,250 इंटू फोर इंटू वन अपॉन में 100, क्लियर। अब आप ये जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इसमें जीरो से जीरो फिर वही प्रॉब्लम आएगी आपको, फिर इसको टू से फाइव लेंथ ही हो जाएगी, तो डायरेक्ट कैंसिल करो, वन से ये 25, फोर से ये वन और फोर से 25, और 25 की टेबल आपको आती है, 25 वन टाइम और 25 सिक्स टाइम 150, 12 125 फाइव जा नहीं चलिए जीरो की जीरो आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा रुपीज़ 650, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर पी प्लस एस आई, इन दोनों को प्लस कर दो, प्रिंसिपल इज रुपीज़ 16,250 प्लस में इंटरेस्ट इज रुपीज़ 650, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 50 और 50 100 9, यानी कि 16,900, ये हमारे पास प्रिंसिपल बन गया हमारे पास थर्ड ईयर का, थर्ड क्वार्टरली का। देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर थर्ड क्वार्टरली
₹16,900, रेट 4% पर क्वार्टरली। अब इंटरेस्ट आ जाएगा, सो इंटरेस्ट फॉर थर्ड क्वार्टरली, फार्मूला आ जाएगा 16,900 इंटू रेट इंटू 1/100, 20 से 20 कैंसिल होगी। और अब इसकी अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये मल्टीपल आ जाएगा मेरे पास रुपीज़ 4 से 9 6 36, 3 कैरी 4 6 7 6 7 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये इतनी हमारे पास ये इंटरेस्ट आ गई। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, देयर फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टरली, तो फार्मूला बन जाएगा पी प्लस एस आई। पी प्लस एस आई करेंगे तो इसमें ये इसको यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें प्लस कर दो। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास रुपीज़ 16,900 और इंटरेस्ट हमारे पास आ गया रुपीज़ 676, और दोनों को जो अगर हम प्लस करेंगे तो 76 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 9 और 6 15, 1 कैरी, और ये 17,576 आ गया। तो देयर फोर सी आई एट द एंड ऑफ 9 मंथ कह लीजिए या फिर 3 क्वार्टर्स कर लीजिए, इट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो लास्ट हमारे पास अमाउंट आई है रुपीज़ 17,576 माइनस में रुपीज़ प्रिंसिपल थे रुपीज़ 15,625। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इट विल बी रुपीज़ 1,951। देयरफॉर सी आई लास्ट टाइम लिखो एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स इक्वल टू रुपीज़ 1,951 आंसर। हमारे पास ये आंसर आया, ये एंड होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रोहित डिपॉजिटेड रुपीज़ 10,000 इन ए बैंक फॉर 6 मंथ। इफ़ द बैंक पेज कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम रिकाउंट क्वार्टरली, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाई हिम ऑन मेच्योरिटी। इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है वो भी क्वार्टरली मेजर किया जा रहा है, और ये जो 10,000 रुपीज़ हैं ये बन जाएंगे प्रिंसिपल जो उसने बैंक में जमा करवाया है। प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ 10,000, और उसके बाद रेट हम लिखेंगे, रेट है 12% पर एनम दे रखी है, रेट भी साल में एक बार 12% लगते हैं, और जो टाइम दे रखे हैं, टाइम दे रखे है 6 मंथ। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर 6 मंथ में हमारे पास 3 मंथ प्लस में 3 मंथ यानी कि 2 क्वार्टर्स हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे और 2 क्वार्टर्स। क्लियर, कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे 2, और जो रेट हैं वो 12% पर एनम है, तो ये 6 महीने में यानी कि हाफ हो जाएगी, नहीं हाफ नहीं होगी, ये पर एनम है और 6 मंथ में 2 क्वार्टर्स हैं, 3 महीने में एक बार है, तो इस रेट को हम जो है 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3% पर क्वार्टर लगेगी ये रेट, 3% पर क्वार्टरली ये हमारे पास रेट आ जाएगी। तो ये हमारे पास रफ वर्क है, इसको आपने फेयर कॉपी में नहीं करना। तब यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, पहले फार्मूला लिखेंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, प्रिंसिपल इज रुपीज़ 10,000, रेट इज 3%, टाइम इज 1, और नीचे ये 100, ये 100 3% के नाम का 20 से 20, तो रुपीज़ 300 ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट क्वार्टर का। देयरफॉर अमाउंट
एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में एस आई ये फार्मूला हो गया। तो रुपीज़ 10,000 प्लस में रुपीज़ 300, ये हमारे पास इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, और इन दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,300। दिस अमाउंट इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड क्वार्टर, देयर फॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड क्वार्टर्स इक्वल टू रुपीज़ 10,300, रेट 3% पर क्वार्टर ये रहेगी। अब इसमें फिर हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब तो सारी बातें आपको पता चल गई, आप जो हैं अपने आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकंड क्वार्टर्स, फार्मूला वही 10,300 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, और इसको मल्टीपल करेंगे, 103 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 309 आ जाएगा। कुछ मल्टीपल आप डायरेक्ट भी करना सीखिए, जैसे मैंने ये मल्टीपल किए, ना कि यहाँ साइड में लिखे हम। ओके, तो देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर्स पी प्लस एस आई प्रिंसिपल इज रुपीज़ 10,300 प्लस में इंटरेस्ट इज रुपीज़ 309, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो 10,609 आ गया। अब इसमें दो ही क्वार्टर थे, हमने दो बार इसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया, तो सेकेंड क्वार्टर के बाद जो हमारे पास अमाउंट बनी है ये अमाउंट बनी है। तो देयरफॉर अमाउंट, जो ये अमाउंट जो है रोहित को मिलेगी ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 6 मंथ। देयरफॉर रोहित विल रिसीव रुपीज़ 10,609 एट द मैच्योरिटी। क्योंकि 6 महीने में उसकी जो मैच्योरिटी हो रही है, तो 6 मंथ के बाद जो है उसको इतने रुपए जो है वापस मिलेंगे एज ए अमाउंट। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 25,000 एट 16% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली रेस्पेक्टिव, विच ऑप्शन इज बेटर। यहाँ पर जो हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, प्रिंसिपल इज रुपीज़ 25,000, और इसमें दो केस हैं, ये एक हमने कंपेयर करना है। इसमें एक तरफ तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट काउंट करना है, और एक तरफ इंटरेस्ट जो हमने क्वार्टरली काउंट करना है, तो दो केस हम बनाएंगे यहाँ पर। तो पहले फर्स्ट केस है हाफ ईयरली के लिए, क्लियर हुआ, हाफ ईयरली के लिए फर्स्ट केस हम लिखेंगे यहाँ पर। तो रेट इज 16% पर एनम, क्योंकि हमारा केस वन है तो इसमें हाफ ईयरली लिखना हमने, तो 16% पर एनम को हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके 8% पर हाफ ईयर, हाफ ईयर, हाफ ईयरली आप ईयरली भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और जो टाइम है, टाइम जो हमारे पास 6 मंथ हैं, 6 मंथ, और 6 मंथ में तो एक ही हाफ ईयर होगा, 1.5 ईयर, क्लियर, एक, यानी कि ये इंटरेस्ट केवल एक ही बार काउंट होगा। तो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट और लास्ट इसका तो एक ही है, क्योंकि एक ही हाफ ईयर बना, इसी को हम फर्स्ट भी लिख सकते हैं और इसी को लास्ट भी लिख सकते हैं। तो पहले फार्मूला लिखेंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल इज रुपीज़ 25,000 इंटू रेट 8% और परसेंट के नाम का नीचे 100, 20 से 20, और इसकी मल्टीपल करेंगे तो ये रुपीज़ 2,000 आ जाएगा। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना बने, रुपीज़ 2,000। और अब सेकंड केस ले लो,
यही सीआई बन गया, क्योंकि इसमें सीआई का तो फंडा है ही नहीं। सीआई तब लगता जब हमारी दो हाफ ईयरली होती, तो ये हाफ ईयरली है तो इतना रुपये ही इंटरेस्ट हमारा बन गया। सेकंड केस में जो है वो प्रिंसिपल इतना ही रहेगा, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹25,000, रेट 16% पर एनम, ये क्वार्टरली यूज़ हो रहे हैं, तब अब क्या करेंगे बताओ। 4 से डिवाइड, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, 16/4 = 4% पर क्वार्टर, यहाँ पर क्यों लिख देंगे हम पर क्वार्टर। और उसके बाद क्या है, टाइम, टाइम है 6 मंथ, 6 मंथ में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 2, 3 मंथ + 3 मंथ, यानी कि 2 क्वार्टर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इसका, यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर्स, तो पहले फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला वैसे हमने पहले लिख रखा है इसलिए दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 25,000 × 4 × 1, एक क्वेश्चन में हम केवल एक ही बार फार्मूला लिखेंगे, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसको दोनों, इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो ₹1,000 आ गया। देयर फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, पी प्लस में एस आई, पी इज ₹25,000 एंड द एस आई इज ₹1,000, और दोनों को प्लस करेंगे तो ₹26,000 आ जाएगा। ठीक है, दिस प्रिंसिपल विल बी द, दिस अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड क्वार्टर, देयर फॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड क्वार्टर्स ₹26,000, रेट 4% पर क्वार्टर, ये रेट रहेगी। देयर फॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर्स इक्वल टू ₹26,000 × 4 × 1/100, 20 से 20 कैंसिल, और इसको अगर मैं मल्टीपल करूँ तो 1,040 आ जाएगी, इतना इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। क्लियर, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर, तो पहले फार्मूला पी प्लस एस आई, तो ₹26,000 + में ₹1,040, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ₹27,040 आ जाएगा। तो अब सी आई निकाल लेंगे इसके लिए, देयर फॉर सी आई एट द एंड ऑफ 2 क्वार्टर्स इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो हमारी अमाउंट थी उस अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, अमाउंट हमारे पास बनी है ₹27,040, और माइनस में प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारे पास बने थे ये 25,000 जो शुरू में आया था, और इन दोनों को माइनस कर दिया तो ₹2,040 बने। अब देखिए, जब हमने इसको हाफ ईयरली काउंट किया तो तब तो हमारा इंटरेस्ट आया था ₹2,000, और जब इसको हमने क्वार्टरली काउंट किया तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 2040। देयर फॉर डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑप्शंस, बोथ ऑप्शंस इक्वल टू ₹2,040 माइनस ₹2,000, पहले का इंटरेस्ट कितना बढ़े 2,000, और जो क्वार्टरली पे इंटरेस्ट बने तो 1,040, तो कितने रुपए का डिफरेंस आया, 40 का, एक तो आंसर ये आ गया आपका, डिफरेंस ₹40। और अब क्वेश्चन में ये भी पूछ रखा है विच ऑप्शन इज बेटर, तो हम लिखेंगे सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, और ये पर क्वार्टर,
क्वार्टर इज बेटर, एक आंसर ये आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बेटर है? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेला बोरोड ₹25,000 फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी टू स्टार्ट हर ब्यूटिक एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वट अमाउंट ऑफ मनी विल क्लियर हर डेट आफ्टर 1.5 ईयर। यहाँ पर उसने जो ₹25,000 जो रुपीज़ बोरो किए हैं, वही 25,000 जो हैं प्रिंसिपल हैं इस क्वेश्चन में। प्रिंसिपल इक्वल टू ₹25,000। जो रेट है, रेट इज 20% पर एनम। अब देखो टाइम का जो इंटरेस्ट है हमारे पास वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो अब आपको सारा प्रैक्टिस हो गई है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेट को हाफ ईयरली, और रेट हाफ ईयरली का मतलब इसका हाफ लिखेंगे हम 10% पर हाफ ईयरली। क्लियर। और जो टाइम दे रखे हैं, टाइम दे रखे हैं 1.5 ईयर, 1.5 ईयर का मतलब हो गया 18 मंथ, और 18 मंथ्स के हम 3.5 ईयर लिख सकते हैं, और 3.5 ईयर। अब जो है नहीं, आप बार बार ये रफ वर्क नहीं करेंगे साइड में कि भाई 18 मंथ हो गए, 18 को 3 से डिवाइड किया, 6 मंथ हो गई, तो नहीं, आप डायरेक्ट लिखना भी सीखिए। पर एनम है और हाफ ईयरली काउंट हो रही है, तो रेट हाफ हो जाएगी। पर एनम रेट दे रखी है, क्वार्टरली काउंट हो रहा है इंटरेस्ट है, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। टाइम जो है हाफ ईयर में दे रखा है, हाफ ईयर, तो उसको डबल कर देंगे, 1.5 का डबल 3 हो जाएगा। और अगर ये क्वार्टरली है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, मंथ है तो 3 मंथ के हिसाब से उसको अरेंज कर लेंगे, हाफ ईयर है और यहाँ पर टाइम जो मंथ में दे रखा है तो 6 मंथ के हिसाब से उसको अरेंज कर लेंगे। ये आप अरेंज करना सीख गए होंगे। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 25,000 इंटू आर, आर इज 10%, और इस परसेंट के नाम का नीचे 100, 20 से 20 कैंसिल होगी, और ये ₹2,500 आ जाएगा। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, इसका फार्मूला हो जाएगा पी प्लस एस आई, और इसको हम लिखेंगे ₹25,000 प्लस में रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया 2,500, और इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 27,500। ये अमाउंट बन गई हमारी एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, और इसी अमाउंट को हम लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर, ₹27,500। रेट वही रहेगी, रेट 10% पर हाफ ईयर, तो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर पी इंटू आर इंटू टी, टी का मतलब 1 है, अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, और इसकी मल्टीपल अगर हम करेंगे इसको 0 के साथ, तो ये हो जाएगा ₹2,750 आ जाएगा। अभी प्रिंस अमाउंट निकाल लेंगे। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, फार्मूला पी प्लस एस आई, तो प्रिंसिपल हमारे पास था ₹27,500, और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2,750, और अगर अभी हम दोनों को प्लस कर देंगे तो इट विल बी ₹30,250। क्लियर।
और जो ये अमाउंट बनी है, दिस अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल फॉर फॉर थर्ड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएंगे 30,250। और रेट वही, रेट क्या थी, 10% पर हाफ ईयर। तो देयर फॉर इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर ये आ जाएगा हमारे पास 30,250 इंटू 10 इंटू 1/100। जीरो से ये जीरो और जीरो से ये जीरो, तो ये आ जाएगा 3025, इतने रुपीज़ आ जाएगा। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अमाउंट। देयर फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, और ये हो जाएगा पी प्लस में एस आई, इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको प्रिंसिपल हमारे पास हो गया रुपीज़ 30,250 प्लस में रुपीज़ 3025। और अगर इन दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद ये बन गया रुपीज़ 33,275। देयरफॉर बेला, इसमें जो बोरोवर है उसका नेम है बेला। देयरफॉर बेला विल पे रुपीज 33,275 टू क्लियर हर डेट। इट इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में हमारे पास रेट जो है हाफ ईयरली काउंट हो रही है, रेट जो है क्वार्टरली काउंट हो रही है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो हमने वर्कशीट 1 में सीखा था। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।